हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के काव्य खंड के 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है उषा। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस चैप्टर के जितने लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाएगी। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। उषा, चैप्टर का नाम है उषा। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो देखिए, इसमें का पहला क्वेश्चन है प्रातः काल का नभ कैसा था। तो इसका आंसर होगा प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीली राख के समान स्वच्छ था। जो प्रातः काल का नभ था वो बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था, साफ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल के उस बेला में आकाश राख सा लगता है। प्रातः काल की उस बेला में, मतलब प्रातः काल के समय जो आकाश होता है वो नीले राख के समान दिखाई देता है। ये इसका हो गया आंसर। अगला है उषा का जादू कैसा है। तो इसका आंसर होगा उषा कालीन नव की प्राकृतिक सुंदरता है। जो उषा का जादू है वो उषाकालीन नव की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह प्राकृतिक सुंदरता है। उषा का जादू उषाकालीन नव की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौक यानी चौके, राख से लिपे हुए गीले चौके, काली सिल जो लाल केसर में धुली हो, लाल खरिया यानी जिसे दीवार को रंगा जाता है, लाल खरिया, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को कहा जाता है खरिया, लाल खरिया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। जिसे स्लेट्स पर लिखा जाता है चौक से या पेंसिल से, वही प्रस्तुत किया गया है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता है। उषा का जादू नीले शंख के समान राख से लिपे हुए नील चौके आदि के समान है। उषा का जादू है इतने ही समय तक। जो सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है, उसका जादू नहीं चलता है। नेक्स्ट है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो इसका आंसर होगा सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है। सूर्योदय जब सुबह प्रातःकालीन होता है ना, उस समय जो आसमान का वातावरण है वह नमी दिखाई दे रही है, यानी ओस वगैरह फरता है, वह नमी दिखाई दे रही है। और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है
जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने सूर्योदय से पहले यानी सूर्य उदय होने के पहले प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले आकाश को राग से लिपे चौकी के समान इसलिए बताया है, राग से लिपे चौकी के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके, ताकि वह उसकी यानी सूर्योदय के पहले की जो नीलिमा है उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके अपने शब्दों में। अगला है लाल केसर और लाल खरिया। लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? इसका उत्तर होगा, देखिए, लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि यानी शमशेर बहादुर सिंह ने लाल केसर से तुलना की है। लाल केसर से तुलना की है सूर्योदय के समय आकाश का जो लालिमा होता है, सूर्योदय होने के पहले जब सूर्य अभिनय होकर रहता है तब पहले लाल दिखाई देता है, वो उसी से लाल केसर की तुलना की है। और इसके बाद है रात्रि को उन्होंने काली सिल से तुलना की है, और रात्रि के समय उन्होंने काली सिल से तुलना की है, रात्रि के समय उन्होंने काली सिल से तुलना की है। काली सिल को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाती है। जो काली सिल होता है उसे लाल केसर से मलने पर जो सिलवट होता है मसाला पीसने वाला तो साफ हो जाती है। काली सिल को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाती है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। सूर्योदय होते ही जो अंधकार छाया रहता है वह दूर होता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है यानी प्रकाश हो जाता है आकाश में। अगला इसी में है और लाल खरिया चौक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुई है। जो लाल खरिया चौक है वह उषा काल के लिए प्रयुक्त किया गया है, और उषा काल के हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खली घिस दी है। अगला प्रश्न है उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। उषा जो कविता है उसमें प्रातःकालीन आकाश का जो पवित्रता होता है वो निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट करना है, तो देखिए इसका आंसर। पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य यानी कोई शुभ कार्य करना हो उसे राग से लिपकर पवित्र बना लिया जाता है। जिस स्थान पर कोई शुभ काम करना होता है उसे राग से लिपकर पवित्र बना लिया जाता है यानी उसे लिपा जाता है, अच्छा से धोया जाता है। और लिपे हुए चौकी के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र रहे। और जिस तरह हम कोई मंगल कार्य करना होता है तो अपने द्वार आंगन को लिपते हैं, ठीक उसी प्रकार जो प्रातःकालीन का आकाश होता है वह भी पवित्र होता है। यहाँ इसलिए कवि कहे हैं लिपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र होता है। जो प्रातःकालीन आकाश होता है वह भी पवित्र होता है। आगे है निर्मलता कलापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। जो निर्मलता होता है वह कलापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए उसे जल आदि से धो लेते हैं। निर्मल मतलब स्वच्छ बनाने के लिए उसे जल से धो लेते हैं। जिस प्रकार काली सिल पर लाल केसर रगड़ने से तथा बाद में उसे धोने से उस पर झलकने वाली लालिमा उसकी निर्मलता की सूचक बन जाती है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी हल्की लालिमा से युक्त होने के कारण निर्मल दिखाई देती है। जो प्रातःकालीन का आकाश होता है वह हल्की नीलिमा के कारण यानी लालिमा के कारण वह भी लालिमा से युक्त होने के कारण निर्मल यानी स्वच्छ साफ दिखाई देता है। सुबह का जो आकाश होता है प्रातःकालीन का आकाश। अगला फिर है इसी में उज्ज्वलता। इसमें उज्ज्वलता पहले निर्मलता का हुआ था फिर यह उज्ज्वलता।
उज्ज्वलता। तो जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। उसी प्रकार प्रातःकालीन का जो आकाश होता है उज्ज्वल प्रतीत होता है। नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें कवि ने कहा था, जो प्रातःकालीन आकाश की कंपेयर यानी तुलना किया था, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, उषा का प्रतीत किया था, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इसका आंसर यह हो गया। अगला है, सिर और श्रेष्ठ का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। शील और श्लेट का उदाहरण देकर कवि यानी शमशेर बहादुर सिंह ने आकाश के रंग में क्या बताए हैं, क्या कहे हैं, तो इसका उत्तर देखिए। कवि ने आकाश के रंग के बारे में शील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी शील पर से केसर धुल गई हो। कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह, कवि ने आकाश के रंग के बारे में सील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है यानी कहे हैं कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी सील पर से केसर धुल गई हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि यानी कवि स्लेट का उदाहरण देते हुए यह कहते हैं कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खरिया मिट्टी मल, जो आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खरिया मिट्टी मल दी हो, जो लाल रंग की खरिया हो मिट्टी मल दी हो। इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्रुतिमा तथा कालिमा के स्वर्णवन का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। इस स्लेट और शील के उदाहरण के द्वारा कवि शमशेर बहादुर सिंह ने श्रेतिमा और कालिमा के सुमनवन का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। अगला है, भोर की नव को राख से लीपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। जो भोर का नव होता है आकाश, नव यानी आकाश, भोर की नव को राख से लीपा गया चौका के द्वारा कवि यानी शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहना चाहे हैं, तो इसका आंसर होगा, भोर के नव का रंग नीला होता है। ये तो सभी जानते हैं कि भोर के नव का रंग नीला होता है, पर साथ ही उसमें सफेदी भी झलकती है। नीला रंग के साथ साथ उसमें सफेदी भी झलकती है। राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफेदी का मिश्रण होता है। जो राख से लिपा हुआ चौका होता है उसमें भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ साथ सफेदी का भी मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नव की राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। यही कारण है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने जो भोर का नव है यानी भोर का आकाश है उसे राख से लिपे हुए चौके की संज्ञा दी है। राख के ताजे लिपे चौके में जो राख का ताज़ा लिफा चौका होता है उसमें नमी भी होता है यानी वह गीली रहती है, नमी भी होता है। भोर के नव में भी ओस के कारण गीलापन है। जो भोर का नव होता है उसमें भी ओस के कारण, रात को जो ओस गिरता है उसके कारण भोर के नव में भी गीलापन होता है। यह कवि कहना चाहते हैं राख से लिपा गया चौका के संज्ञा देकर भोर के नव की तुलना करते हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रातः नव की तुलना बहुत नीला संघ से क्यों की गई है। जो प्रातः नव है उसकी जो कंपेयर नीला संघ से क्यों, कवि ने नीला संघ से क्यों की है उसका कंपेयर, प्रातः नव का कंपेयर, तो इसका आंसर होगा, प्रातः नव की तुलना बहुत नीला संघ से की गई है। जो प्रातः काल का नव है उसे नीला संघ से की गई है उसकी तुलना, क्योंकि कवि के अनुसार जो प्रातःकालीन का आकाश होता है गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। जो प्रातःकालीन का आकाश है वह गहरा नीला प्रतीत हो रहा है।
वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। जो प्रातःकालीन का आकाश है वह नीले शंख के समान पवित्र है और उज्ज्वल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। जो नीला शंख होता है वह पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता का प्रतीक है नीला शंख। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। जो प्रातःकालीन का नभ होता है वह भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। ये तो बात सही है कि लोग सुबह होते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, उनको जल देते हैं। तो लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं, उषा काल यानी प्रातः काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है। शंख जो होता है पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने वाला, उसका भी पवित्र कार्यों में प्रयोग होता है। अतः यह तुलना युक्ति संगत है। अतः यह तुलना जो है मतलब अच्छा है, यानी प्रातः नभ की तुलना नीला शंख से किया गया है, यह सटीक है। नेक्स्ट अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। नीले जल में किसकी गौर देह हिल रही है। नीले जल में किसकी गौर देह हिल रही है यानी झिलमिला रही है। तो इसका आंसर होगा नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। मानो नीले जल में किसी गौरांकी का गौर शरीर हिल रहा है। जो नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। नीले आकाश में सूर्य की जो प्रातःकालीन का किरण होता है वही झिलमिल कर रही है। जैसे ऐसे मानो कि जैसे नीले जल में किसी गौरांकी का गौर शरीर हिल रहा हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना। आपका 8 पार्ट का जितना था क्वेश्चन आंसर वो हो गया समाप्त। आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।